हेलो फ्रेंड्स, व्यापार इंफो सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। व्यापार इंफो सॉल्यूशन ट्रस्टेड एंड प्रीमियर वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कानपुर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एडोब फोटोशॉप के बारे में। एडोब फोटोशॉप सीरीज के अंदर ये हमारा पहला वीडियो है जिससे हम बात करेंगे एडोब फोटोशॉप इंट्रोडक्शन। एडोब फोटोशॉप हमारा क्या होता है? वैसे जो एडोब फोटोशॉप हमारा पूरा प्रैक्टिकल, इसमें थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है, बट हम जब भी किसी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट, हम पढ़ते हैं एडोब फोटोशॉप के बारे में। कुछ कीवर्ड्स हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में: इंट्रोडक्शन, वेयर टू यूज, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, पिस्लेट, लेयर्स, ग्रुप्स, टूल्स, वर्क स्पेस, कैनवास साइज एंड प्रीसेट। सो लेट अस स्टार्ट, हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। एडोब फोटोशॉप क्या होता है? एडोब फोटोशॉप इज अ पावरफुल फोटो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क। एडोब फोटोशॉप एक हमारा बहुत ही पावरफुल फोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसे हम कई चीजों के लिए यूज करते हैं। फोटोशॉप, फोटोशॉप से ही पता चल रहा है कि हमारा फोटो एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है। With this software, you can easily edit photos, create graphic design, make digital art and design banners. इस software की help से आप photos edit कर सकते हैं, graphic designing कर सकते हैं, design art कर सकते हैं and design banners, logo and हमारी post, सभी चीजें आप Photoshop पर easily design कर सकते हैं। Additionally, you can use Photoshop to create business card, letterheads, template, poster and more. और तो और हम Photoshop में business card, letterhead, template, poster और भी कई चीजें design कर सकते हैं। Whether it's designing a t-shirt, a suit or a saree, हम इसमें काफी चीजें design कर सकते हैं, जैसे कि saree, t-shirt, suit. You can do almost any kind of design work in Photoshop. हम कोई भी डिजाइनिंग का वर्क फोटोशॉप में कर सकते हैं। फोटोशॉप वाज क्रिएटेड इन 1987 बाय टू ब्रदर्स, टॉम स्नॉल एंड जॉन स्नॉल। फोटोशॉप हमारा 1987 में इन दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया था, फर्स्ट जॉन स्नॉल एंड सेकंड टॉम स्नॉल। एडोब एक एडोब कंपनी है जिसने कि फोटोशॉप को 1988 में ब्रॉड किया था। पहले फोटोशॉप का नाम सिर्फ फोटोशॉप था, बट अब आज के समय में एडोब फोटोशॉप नेम है। फोटोशॉप डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इज PHD। फोटोशॉप का हमारा डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है PHD, मींस फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। वेयर टू यूज, फोटोशॉप को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? वी आर नॉट बाउंड टू वर्क ऑन एडोब फोटोशॉप ओनली फॉर फोटो एडिटिंग। हम एडोब फोटोशॉप का सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, और भी कई सारी फीचर्स हैं। वी हैव लॉट ऑफ फीचर्स इन फोटोशॉप विच इंक्रीज इट्स वैल्यू इन ग्राफिक डिजाइनिंग। फोटोशॉप के अंदर हमारे कई सारे फीचर्स हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। वी कैन डिजाइन वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, लोगो, GIO, बैनर, फ्लैश, होर्डिंग, ये सभी हम एडोब फोटोशॉप में डिजाइन कर सकते हैं। आप इसमें 3D वर्क भी कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप में हम जैसे कि वेबसाइट का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर सकते हैं, और हम इसमें फोटोशॉप में लोगो डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, बैनर, फ्लैश, होर्डिंग। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये सब डिजाइन करके दिखाएंगे आपको फोटोशॉप में। आप डिजाइनिंग बना के ऑनलाइन Adobe Photoshop का यूज हम फोटोग्राफी में भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया में भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो सबसे ज्यादा आज की डेट पे यूज आता है वो IT इंडस्ट्री। IT इंडस्ट्री में फोटोशॉप का बहुत यूज है। हम IT इंडस्ट्री के लिए भी Adobe फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। आप इन Adobe फोटोशॉप की वीडियोस आप जॉब के हिसाब से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन अर्निंग के लिए देख सकते हैं, और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से भी वीडियोस देख सकते हैं। एडोब फोटोशॉप हम सीख सकते हैं।
फोटोशॉप हमारा रेस्टी बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रेस्टी बेस्ड सॉफ्टवेयर मींस इसमें एडोब फोटोशॉप में एक डिफॉल्ट है, अगर हमें कोई भी डिजाइनिंग करनी है, लोगो डिजाइन करना है या बैनर डिजाइन करना है या होर्डिंग डिजाइन करना है, एनीथिंग, हमें कुछ भी डिजाइन करना है तो हमें उसका साइज, परफेक्ट साइज पता होना चाहिए हम, क्योंकि ये रेस्टी बेस्ड सॉफ्टवेयर है। लेट एग्जाम्पल, हमें एक लोगो डिजाइन करना है, सॉरी बैनर डिजाइन करना है जो कि हमारा 500 पिक्सल का है। हमने उसके लिए एक बैनर डिजाइन किया, बट आगे हम उसे लगा रहे हैं 800 पिक्सल में, तो वो हमारा पिक्सलेट हो जाएगा, वो पिक्चर हमारी फट जाएगी क्योंकि वो साइज में फिट नहीं आएगी, आ भी जाएगी तो वो ब्लर आएगी, उसकी पिक्चर रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आएगी। एंड लेयर्स, हम जो भी काम करते हैं फोटोशॉप में वो लेयर्स बाय लेयर्स होते हैं, जैसे कि हम इसे ही देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने रास्टर बेस लिखा हुआ है पीछे, इसे ही देखते हैं, जैसे कि हमने रास्टर बेस लिखा हुआ है, इसके पीछे एक शेप है, तो ये हमारा टू लेयर्स में हो जाएगा। देन ये हमारा बैकग्राउंड एक पेज है जो हमारा एक लेयर हो गई, उसके ऊपर ये हमारा शेप है, ये एक अलग लेयर में जाएगा, एंड ये टेक्स्ट है हमारा, ये अलग लेयर में जाएगा। हम फोटोशॉप में लेयर्स बाय लेयर्स काम करते हैं। एंड इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे डेस्कटॉप में कई सारी फाइल्स हैं तो हमारी लेयर्स हैं, बट वही फाइल्स एक फोल्डर के अंदर है तो हमारे ग्रुप हो गया, फोल्डर हमारा ग्रुप हो गया, और जो एक एक करके फाइल्स है वो हमारी लेयर्स हो गई। फोटोशॉप में हम टूल्स का यूज करके ही डिजाइनिंग करते हैं, उसमें कई सारे टूल्स होते हैं जिनका हम अलग अलग यूज करते हैं, और जिस एरिया पे हम वर्क करते हैं उसे हम वर्क स्पेस कहते हैं। इसमें इसमें ये की पॉइंट्स आपको और भी पता होना चाहिए, कैनवास साइज, प्रीसेट, आर्ट कोड एंड रेजोल्यूशन, ये हमारा क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट, हम आते हैं फोटोशॉप पर। ये हमारा फोटोशॉप का डैशबोर्ड है, हमने प्रेस किया कंट्रोल प्लस एन, हमने इसलिए प्रेस किया क्योंकि हमें एक न्यू फाइल लेनी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेंट, जो भी हमने रीसेंट में साइजेस लिए होते हैं वो यहाँ पे शो करते हैं, एंड सेव, जो भी साइज हम सेव करेंगे बनाकर उसे हम यहाँ पे प्रेजेंट दे सकते हैं। देन फोटोज में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट में कुछ साइजेस मिलेंगे, इसे हम प्रीसेट कहते हैं। हमारे पास पहले से ही साइजेस अवेलेबल है फोटोशॉप में, जो हमारा फोटोशॉप का सीसी वर्जन है साइजेस सिर्फ उसी में आते हैं, जो इसके पहले के वर्जन थे उसमें हमारे प्रीसेट नहीं होते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, काफ़ी सारे साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्रिंट में भी हैं, लेटर, लीगल, A4, A3, A5, A6, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में भी हमारे साइजेस हैं, पोस्टर, पोस्ट कार्ड, एंड वेब के लिए भी हमारे हैं, वेब लार्ज, वेब मीडियम, वेब मिनिमम, इस टाइप के, एंड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी हमारे यहाँ पे साइजेस दे रखे हुए हैं, फिल्म मीडिया के लिए भी, वीडियोज़ के लिए यहाँ पे साइजेस अवेलेबल हैं। तो ये हमारे प्रीसेट साइजेस होते हैं, जैसे कि हमें मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ भी डिजाइनिंग करनी है तो हमें उसके लिए साइजेस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्री डिफाइंड साइजेस, हम यहाँ आके साइजेस ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्पल वॉच का भी साइज है हमारा, यहाँ पे काफ़ी सारे साइजेस आपको अवेलेबल मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे प्री सेट्स होते हैं। एंड कैनवास साइज क्या होता है, कैनवास साइज वो होता है जो हम खुद से बनाते हैं, जैसे कि हम रिसेंट में आते हैं और यहाँ पे विड्थ देते हैं 500, वेट हमने दी 500 पिक्सल एंड हाइट दी हमने 500 पिक्सल। ये हम इसमें और अपना भी साइज देख के बना सकते हैं। रेजोल्यूशन 72 पिक्सल है, रेजोल्यूशन हम जितना ज़्यादा देंगे उतनी ही अच्छी हमारी पिक्चर की क्वालिटी होगी। किस पेज पर हमें कितना रेजोल्यूशन, किस साइज पर हमें कितना रेजोल्यूशन देना चाहिए, ये हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे।
हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पिक्सल इंचेस में भी है एंड पिक्सल सेंटीमीटर्स में भी है, आप किसी में भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर मोड हमारा आरजीबी कलर मोड सेलेक्ट है। अगर आप फोटोशॉप अगर आप कोई भी डिजाइनिंग ऐसा पोस्ट या फिर इसके लिए कर रहे हैं तो आप आरजीबी कलर का यूज करेंगे, बट आप प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आप CMYK कलर का यूज करेंगे। प्रिंटिंग के लिए हमारा CMYK कलर यूज होता है। ओके, यहाँ से आपको इसका बिट पता चल जाएगा, 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट। इसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी हमारा बैकग्राउंड होगा आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं एंड पेज क्रिएट होने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे या आपका 500x500 का पेज क्रिएट हो गया। देन हम पढ़ेंगे आर्टबोर्ड के बारे में। उसके लिए जैसे कि हमने कंट्रोल एन किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टबोर्ड का एक ऑप्शन है। अगर हम इसे टिक करेंगे एंड देन क्रिएट करेंगे तो हमारा पेज जो होगा वो आर्टबोर्ड के फॉर्म में होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा लेयर्स के फॉर्म में है। और इसके पहले जो हमने पेज क्रिएट किया था वो आप देख सकते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड लेयर आई है जो कि लॉक है। एंड जो हमने आर्टबोर्ड से किया है ये हमारे लेयर के फॉर्म में है आर्टबोर्ड की तरह। सो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। सो हमने आज पढ़ा फोटोशॉप में रास्टर बेस, पिसलेट, लेयर्स, ग्लोब, टूल्स, वर्क स्पेस एंड कैनवास साइज, जो हम खुद से साइज देख कर पेज क्रिएट करते हैं, प्रीसेट जो हमारे पहले से ही प्रेफर डिजाइन होते हैं, आर्टबोर्ड जिसे हम टिक करके आर्टबोर्ड के फॉर्म में भी, आर्टबोर्ड का हम ज़्यादातर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। आगे वाली वीडियोस में हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन पेज की हम जितनी अच्छी रेजोल्यूशन लेंगे उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। प्रिंटिंग के केस में हमारी रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।